नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वांडरर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं महरौली में हंस टिम्बर एंड प्लाईवुड सेल्स, जो कि डील करते हैं इंटीरियर डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में। स्क्रीन पर आपको एड्रेस, फोन नंबर इस जगह की सारी डिटेल मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस फैमिली का पार्ट जरूर बने। दोस्तों, हंस टिम्बर एंड प्लाईवुड वाले बहुत सारे अलग अलग इंटीरियर डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो एक वीडियो में हम किसी भी प्रोडक्ट को समअप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वुड, प्लाईवुड और लैमिनेट के बारे में। अगर आप इस टॉपिक से थोड़ा सा भी वाकया रखते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के ओनर से और लेते हैं सारी जानकारी डिटेल में। सो लेट्स गो। दोस्तों, मेरे साथ हंस टिम्बर एंड प्लाईवुड से हैं मिस्टर अरुण जी, जो कि ओनर हैं यहाँ के। बात करते हैं सर से और जानते हैं सर की फर्म के बारे में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी फर्म आपने कब स्टार्ट करी, किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप लोग डील करते हैं, कुछ बताएँ ज़रा। ये फर्म हमारी 1988 में शुरू हुई थी, बड़े भाई साहब ने शुरू की थी, सुरेश जी ने। उसके बाद 10-11 साल उन्होंने वो किया, उसके बाद 2000 के आसपास मैंने इसको टेक ओवर किया और हमें तकरीबन 34 साल हो गए इस काम को करते हुए। और हमारा जो मेन ट्रेड है टिम्बर, प्लाईवुड, टिम्बर के हम मास्टर हैं और प्लाईवुड हो गया। हमारे पास ब्रांड्स की अलग अलग उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, सेंचुरी की, ग्रीन की, मेरीनो की, तो ये हम काम कर रहे हैं पिछले 34 साल से। होलसेल रिटेल किस चीज़ के लिए आप लोग ज़्यादा जाने जाते हैं? हम लोग रिटेल के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि रिटेल में हमारी क्वालिटी वगैरह और वो सब जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छी चीज़ है, तो वो हम रिटेल में ज़्यादा वो हैं। और पैन इंडिया प्रोडक्ट डील करते हैं, सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि प्लाईवुड में हर एक तरह की आइटम बनती है, वुड में हर तरह की आइटम बनती है, तो आप कारीगर प्रोवाइड कराते हैं, मटेरियल देते हैं, क्या है? हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं और कारीगर भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको कारीगर भी प्रोवाइड करा देते हैं। नॉर्मली हम रॉ मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं और कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर को अच्छा रॉ मटेरियल दें। आज भी हमारे पास 20-25 साल पुराना कस्टमर आता है, जो वसंत कुंज वगैरह में या कहीं पे भी वो नाम सुन के, और वो उनको आता है, उनके बच्चे भी आते हैं कि हमारे पिताजी ने आपसे लिया था। जब 34 साल पहले काम स्टार्ट कर रहे थे तब आपने प्लाईवुड और वुड में काम स्टार्ट किया, आज बहुत ज़माना बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो गई होगी, बहुत सारे ऐड ऑन्स भी किए होंगे आपने, है ना, टेक ओवर करने के बाद, तो किस किस तरह की चीज़ें हैं आप बताएं ज़रा, और हम उनको कैसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं वो भी ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। हमने कुछ ऐड ऑन किए हैं, हमने डिस्प्ले सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है। अब हम यहाँ महरौली थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, कस्टमर को आने में थोड़ी सी परेशानी होती है, अगर कोई अच्छा कस्टमर है, आर्किटेक्ट है, तो महरौली थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, तो हम अब छतरपुर में 100 फुटे रोड पे हमने दो अपने शोरूम और खोले हैं, जहाँ पे हमने अपना डिस्प्ले सेंटर बनाया है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाई हैं, चारकोल हो गया, लूवर्स हो गए, वीनियर डिस्प्ले हो गया, और पूरी शीट आप आएँ आराम से पूरी शीट को देखें और सबको वो करें, फील करें। फिर दूसरा सेगमेंट हमने एक खोला है फर्नीचर्स का और अरिस्टो के शटर्स का। मैं चाहूँगा आज आप अपने इस स्टोर के बारे में, जो ये 34 साल पुराना एक लेजेंडरी स्टोर है, इसके बारे में दिखाएं, बताएं मुझे ज़रा कैसे कैसे हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे है। हाँ जरूर, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ है, प्लाई बोर्ड है, लैमिनेट है, और ये HDHMR वगैरह है, और सब आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है, सबसे ज़्यादा ही बिक्री है, और प्लाई बोर्ड वगैरह है, लैमिनेट है, एज बेंडिंग टेप है, तो ये सारे ब्रांड हैं हमारे पास जो हम वो करते हैं। और ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं, PVC मोल्डिंग्स वगैरह हैं जो प्री फिनिश्ड आती है, यानी बिल्कुल तैयार है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको काटना है और लगाना है। टेप्स की आपने बात करी, आई थिंक ये है ना वो सारी की सारी। हाँ जी, हाँ जी, ये एज बेंडिंग टेप्स हैं। आजकल क्या है, इनर पे लैमिनेट लगता है, तो लैमिनेट के साथ आउटर के लिए या उसके लिए ये टेप लग जाती है, मैचिंग हो जाती है। पहले टाइम में, बहुत टाइम पहले जो है, तब मार्जिन वगैरह आया करती थी, लकड़ी के पीस आया करते थे। चलो, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और आइटम्स भी धीरे धीरे आपको भी एक्सपेंड करनी पड़ रही है ना। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। और ये हमारी लैमिनेट की डिस्प्ले हैं, अगर अभी तक आप देखते होंगे तो नॉर्मली आपको क्या होता है कि छोटे सैंपल्स में और उसमें दिखता है, आप अभी आप 2 इंच के टुकड़े में देखते हैं, उसके फोल्डर में देखते हैं सनमाइका में, यहाँ आपको पूरी शीट दिख रही है, पूरा टेक्सचर दिख रहा है आपको देखने के लिए,
कि आपकी क्या इसकी लुक आ रही है, लगने के बाद कैसे लगेगी आपको। अगर वार्डरोब की लुक देखनी है तो आपको यही पता लग जाएगा यार ये मेरी वार्डरोब के शटर्स ऐसे बनेंगे। अच्छा वैसे प्राइस में तो बहुत वेरिएशंस होगा है ना, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझे अंदाज़ा बता दीजिए ताकि कोई अगर यहाँ पे आए अपना टाइम दे तो उसे एक चीज़ पता चल जाए कि वो क्या एक्सपेक्ट करके क्या पॉकेट में अपना बजट लेके आ सकता है। हम हमारे पास हर तरह की रेंज है, हमारे पास जो नॉर्मली रेंज है आउटर शटर वार्डरोब के लिए जो हम बात करते हैं कि बाहर की माइका के लिए, तो वो रेंज हमारे पास तकरीबन कोई 600-650 रुपए से रेंज शुरू हो जाती है। अच्छा। और हायर एंड पे अगर हम जाना चाहें तो हमारे पास 8,000-10,000 तक की भी शीट है। अच्छा। आजकल ग्लास शीट चलती है, लेमिनेट शीट चलती है, ये आजकल बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं। तो वो हमने वहाँ पर अपने छतरपुर वाले शोरूम में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले में की हैं कि आप आएँ देखें उसको फील करें। ठीक है। और इस हमारे पास यहाँ पे अगर कलर की बात करूँ है ना, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चॉइस मिल पाएगी। या हमारे हाँ नहीं लेमिनेट के अंदर कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास चॉइस बहुत है। हमारे पास अराउंड आप मान के चलें कि 500-600 प्लस शीट्स का डिस्प्ले है। हाँ। यानी कि जो शीट आपको लेमिनेट की पूरी शीट दिख सकती है, वीनियर्स की आपको पूरी शीट दिख सकती है कि आप उस पर देखें उसकी लुक्स देखें ग्रेन्स देखें उसकी देखें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दिख जाती हैं। अशोक जी ये हमारा वुड का वेयर हाउस है जहाँ पे हमारा ये सारा गोडाउन यार सारा स्टॉक होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की लकड़ी है, जैसे हमारे पास चाप वुड होती है, साल वुड होती है, मरंटी की लकड़ी होती है जिसको हम हार्ड वुड या सॉफ्ट वुड भी बोल देते हैं, उसमें फिर हमारे पास पाइन की लकड़ी होती है। हर तरह की लकड़ी होती है जो अलग अलग तरीके से यूज़ होती है, चौखट के लिए यूज़ होती है, घरों में खिड़की के लिए यूज़ होती है और हर चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो हमारे पास ये डिफरेंट तरह की लकड़ी है। प्राइस की बात करूँगा सर, और क्वालिटी आपने बता दी है, प्राइस क्या डिफरेंट है और इसमें वेरिएशन कितने हैं? इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन हैं और प्राइस जो है डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए क्या चीज़ चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का बजट नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि आप मरंडी की लकड़ी ले लें, वो बजट में भी आ जाती है और उसमें कोई शिकायत भी नहीं है। किसी का अच्छा है तो लोग चाप वुड इस्तेमाल करते हैं, टीक वुड इस्तेमाल करते हैं, साल वुड इस्तेमाल करते हैं। साल सबसे ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ दीमक की दिक्कत है। अच्छा। और दीमक की आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो दीमक से हर कोई परेशान है, चाहे वो नॉर्मल एक घर वाला है चाहे वो फार्म हाउस वाला है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं, और यहाँ पे हमें सारी लकड़ियाँ मिक्स मिलने वाली है ना, हर तरह की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ वुड हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आपको यहाँ पे हमारे पास कम से कम 8-10 तरह की लकड़ी मिल जाएगी। अच्छा। जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होती है, किसी चीज़ के लिए होती है, कभी कटे हुए पीस हैं, फिनिश पीस हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा अरुण जी, बात होती है कि ये सिर्फ पैन इंडिया मिल पाएगा या सिर्फ दिल्ली NCR है, क्या है इसका? नहीं नहीं ये पैन इंडिया ही आपको वो हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटेल में कैसे होगा? रिटेल के लिए थोड़ी सी वो रहता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रीजनेबल रेट पे पहुंच जाए क्लाइंट तक। अच्छा। जैसे अभी हम भी रिसेंटली हम यहाँ से आप मान के चलें कि हल्द्वानी तक हमने यहाँ से लकड़ी भेजी हुई है। अच्छा। हाँ अभी रिसेंटली हमने राजपुरा पंजाब में कुछ माल भेजा है और नोएडा वगैरह दिल्ली NCR में तो जाता ही है। तो दूर तक सबसे बड़ी बात है, इस काम में सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, और इस काम में सबसे बड़ी बात है कारीगर। कैसे ढूंढें कारीगर? कारीगर की है दिक्कत तो वही है कि थोड़ा सा अपने आसपास ही नहीं होता तो फिर हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। और पैन इंडिया हमें प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, GST वगैरह कैसा रहता है? GST अब तो कॉमन है पूरे, चाहे आप दिल्ली में लें चाहे आप कहीं से भी लें, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट है स्लैब उसका, 18% का स्लैब है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही स्लैब है। अच्छा। और आपसे आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर तो जुड़ ही सकते हैं, साथ में जो कारीगर लोग हैं फ्रीलांसिंग बेस में काम करते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, वो भी ले सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई भी ले सकता है, हमें कोई ऐसी वो नहीं है। चलिए सर, आपका वुड का जो गोडाउन था वो तो हमने देख लिया, डिटेल में वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया है क्योंकि वो आगे के लिए हमने छोड़ दिया है ना। वुड के लिए एक और डिटेल वीडियो ज़रूर बताएंगे जहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है वो भी बता देंगे, है ना? जरूर, मैं उसमें आपकी टेक्निकल मदद भी कर दूंगा, आपको ये भी बता दूंगा कि मेजरमेंट्स कैसे होती है, कौन सी चीज़ को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा लूपहोल है। राइट। अब चलते हैं आपके जो प्लाईवुड का गोडाउन है उसकी तरफ। अशोक जी ये हमारा प्लाईवुड का गोदाम है जहाँ पे हमने डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं जो हमारे प्लाई बोर्ड हैं सब में, वो हर तरह की क्वालिटी यहाँ हमने रखी हुई है, चारों तरफ आपको दिखेगी, प्लाई है, बोर्ड है, HDHMR है, MDF है, वाटरप्रूफ है, और हम लोग यहाँ पे सेंचुरी के ऑथराइज डीलर हैं, सेंचुरी वीनियर के, सेंचुरी प्लाई बोर्ड के, वाटरप्रूफ के, इनके हम यहाँ पे साउथ दिल्ली में ऑथराइज डीलर हैं।
अच्छा, थिकनेस की बात करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख रही है हर साइज़ का बोर्ड दिखने वाला है, हर साइज़ की प्लाई दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो अगर हमको कैटलॉग्स चाहिए तो वो पॉसिबल है? सपोज़ कीजिए मैं नहीं आ सकता हूँ, तो कैटलॉग पैन इंडिया पॉसिबल है किसी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू? प्लाईवुड की कैटलॉग्स नहीं आती, इनके सैंपल्स आते हैं छोटे छोटे, तो हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर अगर कस्टमर को ज़रूरत है और उनको वो होता है तो हम वो प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए सिर्फ प्राइस के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो उसको भी सैंपल दे देंगे? सैंपल्स हमारे पास आते हैं तो हम दे देते हैं, हो सकता है, क्योंकि ऐसे कोई आदमी अगर प्राइस के लिए ट्राई कर रहा है तो वो सैंपल्स नहीं मांगेगा। मुझे जो लगता है जो नीडी होगा वही मांगेगा जिसको ज़रूरत होगी। अच्छा, प्राइस की मैंने सर बात करी है तो प्लाई में आपके पास वैरायटी तो बहुत है, जैसे हम देख सकते हैं है ना, हर अलग अलग ब्रांड्स की प्लाई मिल जाएगी, हर अलग अलग थिकनेस में आपके पास प्लाई है, प्राइस में क्या है वेरिएशन किस तरह के? प्लाई के अंदर और बोर्ड के अंदर हमारे पास जो प्राइस रेंज शुरू हो जाती है वो 45 रुपीज़ से शुरू हो जाती है, यानी 45 रुपये स्क्वायर फुट से शुरू हो जाती है हमारे पास प्लाई की रेंज, और वो ऊपर तक जाती है 100-125 रुपये स्क्वायर फुट तक जाती है। अगर आप ब्रांड की बात करें सेंचुरी वगैरह तो वो 130-140 रुपये 50 रुपये तक चली जाती है। गारंटी वारंटी की मैंने बात पूरी वीडियो में नहीं करी, ठीक है, क्योंकि 35 साल का भरोसा है, आप उठ के तो एकदम से चले ही नहीं जाओगे है ना। बट चाहे प्लाई की बात करते हैं, चाहे वुड की बात करें, चाहे हम डेकोरेटिव लैमिनेट की बात करें जो हमने पहले देखे, क्या गारंटी वारंटी मिलती है कस्टमर्स को? देखिए, कुछ गारंटी तो कंपनियां देती हैं, बाकी हम अपनी तरफ से भी गारंटी देते हैं। अगर हमारे किसी प्रोडक्ट में जो हम बेच रहे हैं अगर उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो हम उसको वो एक्सचेंज कर देते हैं। अगर अगर अच्छी क्वालिटी का वो ले रहे हैं, अगर आप मान रहे आप अगर आपको चाहिए ही हल्की क्वालिटी का तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो चीज़ अगर हम रिकमेंड कर रहे हैं और आप उसको ले रहे हैं, अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, घूमते हैं थोड़ा सा है ना, और लोगों को भी दिखाते हैं आपके स्टोर और वेयर हाउस के बारे में। बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, एक वीडियो पे सम अप करना और ये बोल देना कि आप किस तरह का काम करें थोड़ा मुश्किल है। तो प्लाई में आप पैन इंडिया जो डील करते हैं वो किस तरह से रहता है, कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। डिलीवर हम कर देते हैं जहाँ से भी जो भी ऑर्डर होता है, मेन चीज़ होती है हमारी कि क्वालिटी अच्छी हो, जिसके पास भी जाए। आज के टाइम में मैं वही पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्वालिटी आप अच्छी लगाएं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। आजकल प्लाई हर जगह इस्तेमाल हो रही है ना, वॉल पैनल्स में भी काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, तो वॉल पैनल के लिए अलग रह रही है प्लाई या जो बेड में लगती है उसी तरह की प्लाई भी हम अब वॉल में लगा सकते हैं? वॉल पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आपको कोई सीपेज वगैरह की दिक्कत तो नहीं है, कोई सीलन की दिक्कत तो नहीं है। अगर सीलन वगैरह होती है तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं WPC की प्लाई लगा लें या वाटरप्रूफ प्लाई लगा लें, और अगर नॉर्मल है तो फिर हम नॉर्मल लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर किसी भी तरह की कोई वॉल में कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं। कितना टाइम चल जाती है? देखिए, अभी तो हमारे पास आप मैं बता रहा था कि हमारे पास 20-25 साल पुराने कस्टमर आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो 20-25 साल लगी हुई है वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी हमारे पास कस्टमर दोबारा आ रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक ज़रूर कीजिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। दोस्तों, ये एक पहली वीडियो हमने शूट करी है बेसिक, जिसपे हमने प्लाईवुड, वुड और लैमिनेट को कवर किया है। हंस टिम्बर एंड प्लाईवुड सेल्स के पास बहुत से ऐसे इंटीरियर प्रोडक्ट्स हैं जो हम आने वाले टाइम पे आपको दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।